सलाम अलैकुम सामीन, 8 रबी उल अव्वल है, 5 अक्टूबर है। सोशल इंडिया न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। खबर का उन्वान है, चीफ इमाम को धमकियां मिलने का सिलसिला जारी है। मुसद्दका इत्तिलात में बताया गया है कि चीफ इमाम को बंगाल, दुबई और इंग्लैंड से बराबर धमकियां मिल रही हैं और इस बारे में उनकी तरफ से थाना तिलक मार्ग में रिपोर्ट भी दर्ज करा दी गई है। इत्तला में बताया गया है कि इमाम साहब को धमकी में 3 बातें कही जा रही हैं। नंबर 1, मोहन भागवत को मस्जिद में बुलाया ही क्यों है। नंबर 2, राष्ट्रपिता का खिताब क्यों दिया गया है। तीसरी बात यह कही गई है कि माफ़ी मांग लो वरना जान से हाथ धो लोगे। एक धमकी 23 तारीख को मिली है, यानी गुज़िश्ता महीने की 23 तारीख को, 28 तारीख को और 30 तारीख को। इन 3 दिनों में ये धमकी आमेज फोन आए हैं और इनके बारे में तिलक मार्ग थाने में रिपोर्ट दर्ज करा दी गई है। इन धमकियों की वजह से फ़िलहाल इमाम साहब ने किससे आमतौर से मिलना जुलना बंद कर रखा है और जिन लोगों को वो नहीं जानते हैं उनके फ़ोन भी रिसीव करने बंद कर रखे हैं।